बड़ा वो प्रिंसिपल बोले क्या बोले कौन बोले कहा पर्ची लिख के देगा तो मिलने देंगे। देखिए सर एक ही सवाल बस पूछेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में कहा जा रहा है कि बिना लेटर के बच्चों को मिलने नहीं दिया जाएगा, ऐसा क्या? प्रिंसिपल सर व्यस्त हैं अभी, अब व्यस्त नहीं ऐसे बैठे रहते हैं, 2 घंटा खाएंगे 2 घंटा रेस्ट करेंगे, आएंगे कॉलेज 12 बजे। कह रहे हैं ये कॉलेज कैंपस की बात है और इसको मीडिया के सामने उजागर ना किया जाए। ये स्टूडेंट है, इनका गाड़ी चोरी हो गया था, अभी स्लिप देंगे तब आप अंदर जाने दीजिएगा। हमको जो आदेश मिला है वो बोल रहे हैं अभी। देखिए जिस दिन बाइक चोरी हुई दिन देखिए यही है, अभी चालू है। इसका मतलब ये सब मिलके गड़बड़ा? हाँ जी जी जी। काहे बंद किए? देखिए सीसीटीवी तो कोई बंद हमेशा बंद रहता है। बिहार में जो है सो कॉलेज का स्तर साफ गिरा हुआ है, यहाँ जो सिर्फ पढ़ाई का कोई साधन नहीं है। अगर विद्यार्थी ये करता है तो विद्यार्थी को मना काहे नहीं कर दिया जाता है? यहाँ स्टाफ जो है यहाँ पे सुरक्षा स्टाफ वो कहाँ है? किसमें नल नहीं लगा बताइए, स्टूडेंट कहाँ पानी पिएगा? शुद्ध पेयजल का स्थिति अच्छा बना हुआ है लेकिन उसमें जो है ना कुछ नहीं है, उस तरह का जो है सामग्री होना चाहिए मैदान जहाँ बच्चे खेलें, लेकिन यहाँ पे पानी लगाकर मछली पालन किया जा रहा है। तो गाय भाई कितनी बजे की टाइमिंग बताई गई थी आप लोग? 9:40 से मैम। 9:40 जी। और अभी कितना बजे है? अभी 10:45 हो रहा है, लेकिन अभी कोई चीज नहीं है, कोई लग ही नहीं रहा है कि एग्जाम है कि क्या है। जो गर्ल्स वाले में मैं देखिए जाने लायक नहीं है आपको, आप जा नहीं पाइए, न बड़ा बाबू है न प्रिंसिपल है, यहाँ थोड़ा अंदर चलिए अंदर। ना किसी लैब का कोई ठीक ठाक है, ना कोई लैब है, कोई लैब भी ठीक नहीं है यहाँ का, लाइब्रेरी भी नहीं है, लाइब्रेरी भी नहीं है, लिखे हैं कोई नहीं, लाइब्रेरी भी नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे लाइब्रेरी है, अभी चलिए वहाँ भी दिखा देते हैं। सबसे पहले हमारे कॉलेज के अंदर चलिए, कॉलेज का जो है रूम सब उसको दिखा रहे कि स्टूडेंट के लिए क्या हो रहा है, और टीचर लोग जो है प्रिंसिपल अपने आप को मतलब वो पड़ी है यहाँ पे, कोई फैकल्टी स्पेशलिस्ट कोई फैकल्टी भी नहीं है। क्या समझते हैं गवर्नर का व्यवस्था है प्रिंसिपल के लिए ठीक है, लेकिन स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं, देख रहे हैं ना। और ये जो है इनसे कल हमें परसों बात हुई तो आपको कौन बोला था कि जो स्टूडेंट है वो लिख के देगा तभी मिलने देंगे? बड़ा वो प्रिंसिपल बोले। क्या बोले कौन बोले? कहा पर्ची लिख के देगा तो मिलने देंगे। देखिए सुन लीजिए स्टूडेंट आप कौन है? हमें स्टाफ है यहाँ की। तो आपसे प्रिंसिपल सर ने कहा कि जब आपको लेटर दिया जाएगा तभी आप स्टूडेंट को अंदर मिलने देंगे, बताइए यही हो रहा है? छात्र संघ के हमें सचिव है, हमको ऐसे बोला जा रहा है कि आप लिख के तो बताइए, और जो स्टूडेंट है उसको तो मिलने ही नहीं दिया जाएगा प्रिंसिपल से, उसको तो सफाई करता है, तुम जाओ बाहर पूछ लीजिए, कोई भी प्रिंसिपल से मिलने देता है किसी को? कोई नहीं, ऐसा ही हो रहा है। चलिए और आगे दिखा रहे हैं, आगे भी रूम है, इधर आइए, एसी लगा हुआ 2-2 एसी, लेकिन सैनिटाइजर गेट के लिए इनके पास फंड नहीं है, सैनिटाइजर गेट के लिए इनके पास फंड नहीं है। और जब भी हम लेटर दिए हैं तो इनके द्वारा यही कहा जाता है, फोन के द्वारा कह रहे हैं, हम जब बात उनसे हुई तो प्रिंसिपल साहब सर कहते हैं तुम कर लो ना, हम कहाँ से करें, जब आपको एसी लगाने के लिए आदमी मिल रहा है लेकिन सैनिटाइजर गेट बनाने के लिए नहीं मिल रहा है आदमी। ये रूम भी देख ही लिया अभी तक, यहाँ पे बड़ा बाबू बैठते हैं। सर एक ही सवाल बस पूछेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में कहा जा रहा है कि बिना लेटर के बच्चों को मिलने नहीं दिया जाएगा, ऐसा क्यों? ये तो प्रधानाचार्य ही बतला सकते हैं ना। अच्छा आप स्टाफ है ना, ऐसा कुछ है यहाँ पे कि नहीं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा स्टूडेंट का कारण सही है, स्टेनाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन प्रधानाचार्य महोदय से छात्रों से बातचीत होने के बाद ही कुछ कहा जाएगा, मिलना चाहिए प्रिंसिपल साहब से, छात्रों को जी नहीं अभी नहीं। कितना दिन आते ये भी पूछिए ना, कितना दिन आते कह रहे हैं ये कॉलेज कैंपस की बात है और इसको मीडिया के सामने उजागर ना किया जाए। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा, सर एक सवाल का बस जवाब दीजिए, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता है बिना लेटर दिए, ऐसा क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं है, स्टाफ ने ऑन कैमरे, स्टाफ जो है आपके ऑन कैमरे ये स्टेटमेंट। मीटिंग में रहेंगे सर तो आपको अपॉइंटमेंट लेके ही मिलना पड़ेगा ना। दिन मीटिंग में रहते हैं? जिस दिन था उसी दिन की घटना है। नहीं 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 भैया झूठ मत, नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं बोले, रिकॉर्डिंग हम दें
जो स्टाफ हैं प्रिंसिपल ऑफिस के सामने अंदर वो बैठे हुए थे, हमने उनसे पूछा कि बिना लेटर मिलने दिया जाता है, तो उन्होंने साफ कहा नहीं मिलने दिया जाता है। यहाँ देखिए, उनके द्वारा अभी आपको कहा गया है ना, यही कह रहे हैं। शासक महासचिव है बीआरबी कॉलेज के, एक तरफ से हम सुनिए, एक मिनट, ये स्टूडेंट है, इनका गाड़ी चोरी हो गया, अभी अभी स्लिप देंगे तब आप अंदर जाने दीजिएगा। हमको जो आदेश मिला है वो बोल रहे हैं, अभी वो बोल रहे हैं। क्या प्रिंसिपल साहब क्या बोले आपको? स्लिप दीजिए, हमारी गाड़ी से मिली स्लिप, स्टूडेंट को मिलने के लिए स्लिप का जरूरत है टीचर से। हाँ, मतलब स्टूडेंट मिलेगा स्लिप के द्वारा? बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं भैया, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। मतलब प्रिंसिपल सर बोले हैं स्लिप लेके स्टूडेंट जाएगा मिलने के लिए ना, तो स्टूडेंट के लिए वो है कि जी कहाँ कह रहे हैं आपके लिए नहीं है जी, जो बोले हैं बड़ा बाबू क्या राम भरोस शर्मा जी कहे हैं, क्या कहे हैं? लीजिए तब प्रिंसिपल से कोई जगह मिलने, उनको कैसे अधिकार हो गया ये बात बोलने का, वो तो बड़ा बाबू है। तो राम भरोस शर्मा जी से ठीक है, मतलब उनसे बड़ा बाबू का ही अधिकार हो गया। अभी तो कोई टीचर सब भी नहीं पहुंचे हैं टाइम से, सबके 10 बजे साढ़े नौ बजे से है पेपर। अच्छा, साढ़े 9 बजे नोटिस बोर्ड किधर है? सारा चीज़ बोल रहा है नोटिस बोर्ड में, कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए, यहाँ लाइन में लगने का कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे स्टूडेंट वैसे जा रहे हैं। और अभी चालू है, उस दिन बंद था। सीसीटीवी हम दिखा रहे हैं, मेरे पास फोटो होगा, सीसीटीवी सारा कुछ दिन बंद था जिस दिन घटना हुई थी। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल किसकी बाइक चोरी हुई थी? जिनका बाइक एक में हम दिखा रहे हैं, देखिए यही है जिस दिन, देखिए ये दोनों स्टाफ हैं, देखिए जिस दिन बाइक चोरी हुई दिन, देखिए यही है, अभी चालू है। इसका मतलब ये सब मिलके कड़वा? हाँ जी जी जी। काहे बंद किए? देखिए सीसीटीवी तो कोई बंद हमेशा बंद रहता है, ये 2 दिन से चालू है, जिस दिन से हम बोले हैं लाइव के माध्यम से हम दिखा दिए, लाइव पे हम दिखाए थे, मेरे फेसबुक पे होगा, ठीक है ना। देखिए सारा कुछ बंद है, ये अकाउंट सब सेक्शन में एसी लगा हुआ है लेकिन क्लास में कुछ नहीं है। पंखा तो होगा ना भैया? नहीं, उधर नहीं चल रहा है, चलता ही नहीं है, खाली शो में लगा हुआ है। पानी का व्यवस्था नहीं, सबसे तो मुख्य बात है कि पानी होना चाहिए, पानी नहीं। देख लीजिए ना, बिहार में जो है सो कॉलेज का स्तर साफ गिरा हुआ है, यहाँ जो सिर्फ पढ़ाई का कोई साधन नहीं है। स्टाफ लोग ऊपर से फेंक फेंक देते हैं पूरा एकदम। अगर विद्यार्थी ये करता है तो विद्यार्थी को मना काहे नहीं कर दिया जाता है? यहाँ स्टाफ जो है, यहाँ पे सुरक्षा स्टाफ, वो कहाँ है? देख लीजिए इस तरह का जो है सो यहाँ पे कचरा है, स्टाफ सब आके यहाँ पे थूक देते हैं। जो हमारी जो क्या कहते हैं विद्यालय एक मंदिर जिसको कहा जाए, इसके नाम पे जो है यहाँ कचरा फैलाया जा रहा है। 4 लेटर लिखने के बाद जो पानी का व्यवस्था हम पानी का दिखा रहे हैं, जो पानी का स्टॉल तो बन गया लेकिन उस पर अभी तक नल लगा नहीं है, वायरिंग हुआ नहीं है। नल देखिए, नल लगा है अभी जस्ट न्यू बना है, बस 5 से 7 दिन पहले। छात्र संघ इसके लिए 6 से 7 लेटर प्रिंसिपल को हम लिखे हैं, हम सचिव हैं इस कॉलेज के, 6 से 7 लेटर लिखे हैं, उसके बाद जाके ये तैयार हुआ, लेकिन आज तक इसमें नल नहीं लगा। बताइए स्टूडेंट कहाँ पानी पिएगा? देख रहे हैं कब बना है ये, लगभग 3-4 दिन पहले ही बन के कम्प्लीट हुआ, 3 से 4 दिन पहले। देखिए देखने में लग ही रहा होगा आपको, अभी तक इसमें नल नहीं लगा। बताइए कहाँ बाथरूम का कहाँ व्यवस्था, हम तो ये पूछते हैं बाथरूम कहाँ जाएंगे? अरे बाथरूम कहाँ जाएंगे, बाथरूम में पूरा एकदम गेट नहीं है, उसके बाद गंदा है। आइए चलिए बाथरूम चलिए, बाथरूम देख लीजिए। आज हम लोग इतना बोल रहे हैं तो कल के डेट में बड़ा बाबू और प्रिंसिपल के द्वारा कहा जाएगा कि तुम मीडिया को लेके आते हो, पूरा कॉलेज दिखाते हो, तो कल से फिर हम लोग को टॉर्चर किया जाएगा। अभी तो आप लेटर देखे नहीं कि विद्यार्थी परिषद के जितने भी मतलब जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, हम लोग उसको सीधे कह दिया गया कि आप लोग एंट्री नहीं कीजिएगा, लेकिन हम लोग जाते हैं। नहीं, वहाँ लिखा हुआ है शुद्ध पेयजल। बड़ा बाबू टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। देखिए स्थिति शुद्ध पेयजल का, ये देखिए यहाँ पे दीवार पे लिख तो दिया गया है बड़े बड़े अक्षरों में, कुछ है ही नहीं, सिर्फ बस ये बना हुआ है लेकिन उसमें जो है ना कुछ नहीं है, उस तरह का जो है सामग्री नहीं इसके है, अंदर का फ्रिज गायब है, बस ढांचा दिख रहा है, दिख रहा है। और बोर्ड में लिखा भी हुआ है शुद्ध पेयजल। चलिए अभी वॉशरूम की तरफ चलते हैं, बाथरूम का हालत देखते हैं। देखिए बाथरूम का व्यवस्था देखिए, जो गर्ल्स वाले में मैं देखिए जाने लायक नहीं है, आपको आप जा नहीं पाइएगा ऐसा। ये महिला के लिए व्यवस्था है, उधर पुरुषों के लिए है, बाथरूम का व्यवस्था, पानी भी नहीं है, पानी नहीं जाता है।
बोल रहे हैं कि आज एग्जाम है लेकिन टीचर लोग गायब है। कितने बजे की टाइमिंग बताई गई थी आप लोग? 9:40 से मैम। 9:40 जी। और अभी कितना बज रहा है? अभी 10:45 हो रहा है। लेकिन अभी कोई चीज नहीं है, कोई लग ही नहीं रहा कि एग्जाम है कि क्या है। बच्चा सब ऐसे ही भी प्रिंसिपल से कभी इर्द गिर्द सब बच्चे घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि आपको प्रिंसिपल ऑफिस में आप लोगों को जाने दिया जाता है? नहीं जाने दिया। नहीं मैम, नहीं। क्या कहते हैं? मतलब कि लगता है कि उसमें उनको से भेंट करने के लिए एक विशेष प्रकार की आदमी बनना पड़ेगा, उसके बाद ही उनसे भेंट करना पड़ेगा। बात सही है। बताइए, आप गए कभी प्रिंसिपल ऑफिस में? जाना ही नहीं दिया कभी। गेट पर से ही बोले, क्या कहते हैं भाई, भैया जैसा बोला विशेष प्रकार बनना पड़ेगा, उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। सीधी सी बात, जो उनको सट जाएगा इसी के लिए हम लोग से बात ही नहीं करेंगे, वो कभी बात ही नहीं करेंगे। उनके लिए एक अलग से व्यवस्था रहता है, उसके बाद अलाउ ही नहीं होता अंदर जाने का। गेट पे जो बैठे रहते हैं सीधी से बोलता है, आप क्या काम है, जाइए काउंटर पे पूछिए, प्रिंसिपल सर व्यस्त हैं अभी। अब व्यस्त नहीं, ऐसे बैठे रहते हैं, 2 घंटा खाएंगे 2 घंटा रेस्ट करेंगे, आएंगे कॉलेज 12 बजे। अभी देखिए अभी तक नहीं, 11 बजे देखिए लाइब्रेरी का क्या स्थिति है। हर एक जगह जो बोलेंगे तो बोले ना, आपसे तो बात हुई ना उनसे कि स्टूडेंट, जब स्टूडेंट के नाते भी हम मिलने गए तो हमको कहा गया पहले लिख के दो तब जाने देंगे अंदर। आप तो स्टाफ से पूछे ही होंगे जो बोले हैं, उनका वीडियो भी दिखाए हैं, और मैं एक वीडियो मेरे पास था जो कि अभी नहीं है, मतलब घर पे दूसरे फोन में, उसमें हम साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि जो हम लिख के दिए हैं वो हम लिए हुए हैं, उसको दिए हैं, तब वो जाके अंदर गया है, तब हमको बुलाया गया, तब हम प्रिंसिपल से मिले। ये स्थिति है बीआरबी कॉलेज का, अभी तक प्रिंसिपल नहीं आए हैं। और जब हम अभी स्टाफ से बात किए तो कहे क्या कि अभी रास्ते में, देखिए कब तक पहुँचते हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो से जो इस कॉलेज की हकीकत पता चली है वो क्या ही बताया जाए। शौचालय में महिलाओं की जो शौचालय है वहाँ पानी नहीं है, एक भी टोटी नहीं है जिससे कम से कम पानी निकले। इसके अलावा पानी की व्यवस्था नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, और ये व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये तालाब बना रखा गया है कॉलेज कैंपस में, पता नहीं क्यों बनाया गया, ये भी एक सवाल है कि यहाँ पे होना चाहिए मैदान जहाँ बच्चे खेलें, लेकिन यहाँ पे पानी लगा कर मछली पालन किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों का कहना यह है कि बैठने की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में सैनिटाइज़र भी नहीं देखा जा रहा है, बच्चों को अंदर दे दिया जा रहा है, मास्क भी नहीं चेक हो रहा है, बच्चे अंदर जा रहे हैं। तो ये किसकी व्यवस्था है? आखिर इस व्यवस्था को दुर्व्यवस्था क्यों बनाया जा रहा है? कोरोना काल में पेपर कराना ही एक सवाल था, लेकिन जब पेपर हो रहा है तो कम से कम सुरक्षा व्यवस्था की तो ख्याल रखना चाहिए था। 9:40 से बच्चों का पेपर था, 11 बजने आ जा रहा है, पेपर नहीं स्टार्ट हुआ है, प्रिंसिपल साहब नहीं है, बड़े बाबू नहीं है, इस तरह की समस्या जो है वो यहाँ पता चल रही है। मैं हूँ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।